हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे आप सब, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो साड़ीज पे होने वाली है। जो भी साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा हैवी लुक में नहीं है, मॉडर्न स्टाइल की साड़ियां हैं, कंफर्टेबल सी साड़ियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सभी साड़ियां मैंने जियो फैब से परचेज करी है, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैब जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी इनकी रिटर्न पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप एक बार वो जरूर चेक कर लीजिएगा परचेज करने से पहले। अभी जियो फैब पे ऑफर्स वगैरह चल रहे होंगे, वो सब भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो और भी नई डिजाइन देखना चाहते हो तो जियो फैब जो वेबसाइट है उसको भी एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर चेक करिएगा, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साइड में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कर दें, ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूजर नेम आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो मैंने साड़ी पहनी है उस पर एक हॉल वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है। इसने मुझे कॉस्ट करा था 1198, और अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो इसका फैब्रिक आपको जॉर्जेट मिलेगा, और अगर मैं इस साड़ी की लेंथ की बात करूँ तो आपको ये 5.5 मीटर की साड़ी मिलेगी। इसकी जो 5.5 मीटर इसकी जो लेंथ है, वो जो इसमें प्लीट्स बनी हुई है ना, उसके बाद आपको ये 5.5 मीटर की साड़ी मिलेगी, तो इस साड़ी की लेंथ आपको कम नहीं मिलेगी। पूरी साड़ी पे आपको ये जो बंधेज प्रिंट होता है ना, उस तरह का प्रिंट आपको इस पूरी साड़ी पे मिलेगा व्हाइट कलर से, तो ब्लू और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो साड़ी है ना, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साड़ी में ज्यादा कुछ ऐसे बताने के लिए है नहीं, क्योंकि पूरी साड़ी आपको ऑल ओवर ही मिलेगी, पूरी साड़ी पे आपको इस तरह का प्रिंट ही मिलेगा, इसमें आपको अलग से कोई पल्लू वगैरह नहीं मिलेगा, पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी। प्लीट्स वाली जो साड़ी होती है ना, वो वाली साड़ी आपको ये मिलेगी। अभी ये वाली साड़ी बहुत ज्यादा ट्रेंड में, आप इंस्टाग्राम पे भी खोलोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ये साड़ी आपको जरूर ही दिख जाएगी। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और ये ब्लू और जो व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मुझे ये वाला ब्लाउज रिसीव हुआ, तो इसके साथ जो ब्लाउज रिसीव हुआ वो आपको व्हाइट कलर का मिलेगा। ब्लाउज की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, 1 मीटर की लेंथ का आपको ये ब्लाउज मिल जाएगा, और ब्लाउज की जो विड्थ है वो भी एक्चुअली बहुत अच्छी है, वो भी आपको 1 मीटर के लमसम मिल जाएगी, तो इसकी विड्थ और लेंथ दोनों ही बहुत अच्छी है। इसका जो फैब्रिक है ना वो आपको ड्यूपिन टाइप का ही मिलेगा, बट थोड़ा सा जो पॉलिस्टर मिक्स जो ड्यूपिन होता है ना डिफरेंट टाइप का, उस तरह का आपको इसका फैब्रिक मिलेगा। पतला फैब्रिक नहीं है, मोटा फैब्रिक है, तो आप आराम से इसमें ब्लाउज बनवा सकते हो, बट आपको इसके नीचे लाइनिंग लगवानी पड़ेगी। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूं तो साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है एक्चुअली, इसका कलर बहुत अच्छा है और इसका लुक भी बहुत अच्छा है, और अभी ये साड़ी बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, और पहनने के बाद इसका लुक भी अच्छा आ रहा है। मैंने इस साड़ी को बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करा था, और मैंने व्हाइट कलर के ब्लाउज के साथ इसको स्टाइल नहीं करा था, मैंने ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ इसको स्टाइल करा था। जो भी ज्वेलरी मैंने इसके साथ स्टाइल करी थी उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है। इसने मुझे कॉस्ट करा था 1738, और अगर मैं इस साड़ी के फैब्रिक की बात करूँ तो आपको इसका जॉर्जेट का फैब्रिक मिलेगा। एक तो जॉर्जेट का फैब्रिक होता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा लचकीला टाइप का होता है, और एक थोड़ा सा कम लचकीला होता है ना, उस तरह का आपको इस साड़ी का फैब्रिक मिलेगा। और अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो आपको इस पूरी साड़ी में ये वाला वर्क मिलेगा। इस साड़ी में आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ ये सिक्वेंस वर्क मिलेगा, तो ये जो वर्क है ना ये आपको पूरी साड़ी में मिलेगा, और ये एक मल्टी कलर साड़ी है। इस साड़ी में आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे इस तरह से, तो आप इसको लहरिए की तरह भी ले सकते हो, या फिर आप स्ट्रिप्स पैटर्न में भी आप इस साड़ी को ले सकते हो, और इसके ऊपर आपको इस तरह का बॉर्डर मिलेगा। ये जो बॉर्डर है ये भी आपको सीक्वेंस के साथ मिलेगा, बट इसके जो बॉर्डर के सीक्वेंस है वो आपको बड़े मिलेंगे इस तरह से, और ये बॉर्डर आपको चारों तरफ मिलेगा। जहां से हम ये वाला पल्लू लेते हैं ना साड़ी का, ये वाला, वहां पे जो ये बॉर्डर है ना इसकी लेंथ आपको 1.25 मीटर मिलेगी। नीचे की साइड जो बॉर्डर है ना जहां से हम प्लीट्स लेते हैं, वहां पे ये बॉर्डर आपको इतनी साड़ी के बाद स्टार्ट होगा, और इसमें आपको प्लेन फैब्रिक भी मिलेगा, जो कि आप प्लीट्स से पहले आपको ये प्लेन फैब्रिक मिलेगा, उसके बाद
बाद इसमें वर्क वाला फैब्रिक इसमें स्टार्ट होगा, तो पूरी साड़ी पे आपको ये वाला ही वर्क मिलेगा। इसका जो वर्क है ना वो आपको सिल्वर कलर का मिलेगा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। इस साड़ी में जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मल्टी कलर की आपको ये साड़ी मिलेगी, बहुत ही कलरफुल सी साड़ी है। और उसके ऊपर ये जो सिक्वेंस वर्क है ना ये दूर से इस तरह से लग रहा है जैसे कि जरदोजी का वर्क होता है ना, तो उस तरह का लुक आपको ये साड़ी देगी। और इसका जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही एक्चुअली बहुत ही डार्क कलर में आपको ये साड़ी मिल जाएगी। पूरी साड़ी में एक्स्ट्रा ऐसा कुछ बताने को है नहीं क्योंकि पूरी साड़ी में इसी तरह का वर्क है। ये वाला आपको इसमें बॉर्डर मिल जाएगा और इस तरह के कलर आपको इस साड़ी में मिल जाएंगे। जब आप ट्राई ऑन में देखोगे तो प्रॉपर आपको ये साड़ी समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके ब्लाउज की। इस साड़ी के ऊपर जो आपको ब्लाउज मिलेगा वो भी बहुत ही हैवी लुक में मिलेगा, पूरा सिक्वेंस वर्क का भरा हुआ आपको इसमें ब्लाउज मिलेगा। और इसका जो फैब्रिक है वो फैब्रिक आपको वेलवेट का मिलेगा, तो वेलवेट के ऊपर आपको ये वाला वर्क मिलेगा। इसका जो ब्लाउज है ना वो आपको ऐसे टुकड़ों में मिलेगा, कुछ पार्ट पे आपको इस तरह से वर्क मिलेगा और कुछ फैब्रिक आपको इसमें प्लेन भी मिलेगा। अगर आप मे बी अगर प्लेन स्लीव्स बनवाना चाहो तो आप इसकी स्लीव्स बनवा सकते हो। इसकी लेंथ भी आपको अच्छी मिल जाएगी, इसकी विड्थ आपको इतनी मिलेगी। और अगर आप वर्क में स्कर्ट स्लीव्स ब्लाउज बनवाना चाहो तो आप इसका बनवा सकते हो। इसकी विड्थ आपको इतनी मिलेगी और इसकी लेंथ आपको इतनी मिल जाएगी। प्लेन और वर्क वाले फैब्रिक को यूज करके डिफरेंट डिजाइन का एक ब्लाउज बनवा सकते हो। साड़ी के साथ जो ब्लाउज है ना उसकी बजाय अगर आप कोई प्लेन ब्लाउज पहनोगे, मे बी ब्लू कलर का कोई ब्लाउज पहनोगे, तो उसके साथ इस साड़ी का लुक ज्यादा अच्छा आएगा इस ब्लाउज की बजाय, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने इस साड़ी को स्टाइल करा था एक ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ जिसके नेक पे इसी तरह से बहुत ही मल्टी कलर का वर्क हो रखा था, तो उस तरह से मैंने इसको स्टाइल करा था। साथ पे मैंने इयररिंग्स पहने थे। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूं तो फैब्रिक अच्छा है, लुकिंग भी अच्छी है। एक्चुअली इसका जो कलर है ना वो बहुत ही कलरफुल सी साड़ी है, तो जिनको बहुत ही कलरफुल सी साड़ियां पसंद है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप आराम से इसको परचेज कर सकते। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है। इसने मुझे कॉस्ट करा था 1468। और अगर मैं इस साड़ी के फैब्रिक की बात करूं तो आपको इसमें जॉर्जेट का फैब्रिक मिलेगा और इसके साथ आपको ब्लाउज भी रिसीव होगा। ये भी साड़ी एक्चुअली बहुत ही कलरफुल है और ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। और इसका जो सीक्वेंस वर्क है ना वो बहुत ही छोटे छोटे से इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं और एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको ये पूरी साड़ी पे सीक्वेंस मिलेंगे, तो इसका जो लुक है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे इस तरह से झिलमिल झिलमिल से दिखेंगे, तो बहुत ज्यादा जो सीक्वेंस होते हैं ना भरे हुए सीक्वेंस होते हैं, तो उस तरह की आपको ये साड़ी नहीं मिलेगी। इसमें बहुत ही दूर दूर छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हुए हैं और साथ में इसमें ये एम्ब्रॉयडरी भी बनी हुई है, तो ये आपको कहीं से कहीं इरिटेट नहीं करेगी। बट हाँ, इसका जो लुक है ना वो आपको थोड़ा सा शाइनी शाइनी मिलेगा, तो अगर आप नाइट में पार्टी वगैरह में रिसेप्शन वगैरह में इस तरह की साड़ियां पहनते हो, मॉडर्न स्टाइल से पहनते हो, तो आपका लुक भी अच्छा आता है, आप इरिटेट भी नहीं होते हो और आप एकदम मॉडर्न सा लुक भी आपका एकदम परफेक्ट सा आता है। तो पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी, बहुत ही कलरफुल सी साड़ी है। इस साड़ी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इसका पल्लू आपको अलग से नहीं मिलेगा, ऑल ओवर टाइप की साड़ी है। पूरी साड़ी पे आपको इसी तरह का इसमें वर्क मिलेगा और इसमें आपको कोई बॉर्डर भी नहीं मिलेगा अलग से, तो पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी। और इसमें ऐसे भी नहीं है कि इसमें आपको कोई प्लेन हिस्सा मिलेगा, पूरी साड़ी में स्टार्टिंग से इसमें वर्क हो रखा है और बैक में भी आपको स्टार्टिंग से इसमें वर्क मिलेगा, तो कहीं से भी आपको ये प्लेन हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आपको ऐसे कोई बॉर्डर भी नहीं मिलेगा, तो ऑल ओवर टाइप की साड़ी है, कोई डिफरेंट इसमें आपको पल्लू भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ब्लाउज की। तो इसमें आपको ब्लू कलर का ब्लाउज मिलेगा जो कि रॉयल ब्लू होता है ना, वो कलर का आपको इसमें ब्लाउज मिलेगा। और अगर मैं ब्लाउज की लेंथ की बात करूं, आपको इसमें 80 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज मिल जाएगा। ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो आपको ड्यूपिन का मिलेगा, तो इसका फैब्रिक आपको अच्छा मिलेगा। ऑल ओवर साड़ी की अगर मैं बात करूं तो साड़ी बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत अच्छा है, लुकिंग भी बहुत अच्छी है। और इसका जो ये वर्क है ना ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, सोबर सा वर्क है, स्टाइलिश सा वर्क है, आपको इरिटेट भी नहीं करेगा बट आपका लुक भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा, तो इस साड़ी का वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। इस साड़ी को मैंने स्टाइल करा था रेड कलर के ब्लाउज के साथ, साथ में मैंने नेक पीस पहने थे। अगर मैंने वो ऑनलाइन लिए होंगे तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है। इसने मुझे कॉस्ट करा था 838 और
इसका जो फैब्रिक है वो आपको जॉर्जेट मिलेगा। इसमें आपको साथ में ब्लाउज भी मिलेगा। एक्चुअली पूरी साड़ी आपको ब्लैक और व्हाइट मिलेगी और जो ब्लाउज है वो आपको मेरून कलर का इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी साड़ी की बात करते हैं। तो ये जो साड़ी है ना, ये आपको मॉडर्न सी स्टाइल की मिलेगी। इसमें ऐसे स्ट्रिप्स वाला पैटर्न मिलेगा। पूरी साड़ी में आपको इसी तरह का पैटर्न मिलेगा। इसमें एक्चुअली कोई वर्क नहीं है। पूरी आपको ये जो प्रिंटेड टाइप की साड़ी होती है ना, उस तरह की आपको ये साड़ी मिलेगी। और ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की साड़ी एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोबर सी भी होती है, कंफर्टेबल भी होती है और आपका लुक भी बहुत स्टाइलिश आ जाता है और इसका फैब्रिक भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी। एक्स्ट्रा इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, अलग से इसमें आपको कोई पल्लू नहीं मिलेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा ऐसे कुछ बताने के लिए नहीं है। बट हाँ, अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो आपको फैब्रिक अच्छा मिलेगा। अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो A1 है, और अगर मैं इसकी प्रिंट की बात करूँ तो वो तो A1 है ही। तो इसका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसके ब्लाउज की। तो साड़ी एक्चुअली इसमें आपको ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में मिलेगी, बट इसके साथ जो ब्लाउज दिया गया है वो आपको मैरून कलर का दिया गया है, और वो भी आपको वेलवेट में इसमें ब्लाउज मिलेगा। तो इस तरह का आपको इसमें ब्लाउज मिलेगा। और अगर मैं ब्लाउज की लेंथ की बात करूं तो 90 सेंटीमीटर का आपको इसमें ब्लाउज मिल जाएगा। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो इसकी विड्थ भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। वेलवेट के फैब्रिक की बात करूं तो इसका फैब्रिक भी एक्चुअली बहुत अच्छा है। एक्चुअली व्हाइट और ब्लैक के साथ जो मेरून का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको मेहरून कलर नहीं मिलेगा और इसके ब्लाउज में आपको इससे कहीं इसमें आपको ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। तो मैंने भी साड़ी को जो स्टाइल करा है वो ब्लैक और मेरून कलर के ब्लाउज को मिक्स करके इसको स्टाइल करा है, कि अगर मैं इस तरह की साड़ी के साथ अगर मैं मेहरून ब्लाउज स्टाइल करती हूँ तो उसका लुक कैसा आता है। तो उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा परफेक्ट दिखाने के लिए मैंने दो ब्लाउज को मैच करके फिर साड़ी के साथ स्टाइल करा है। आप बताना कि वो लुक कैसा लग रहा था। उसके साथ मैंने जो ज्वेलरी पहनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूं तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है, लुकिंग बहुत अच्छी है और मुझे इस तरह की साड़ियां बहुत अच्छी लगती। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है। इसने मुझे कॉस्ट करा था 2100। अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो इसमें आपको जॉर्जेट का फैब्रिक मिलेगा। इस तरह की साड़ी को एक्चुअली बहुत सारी एक्ट्रेस ने भी पहना है। मलाइका अरोड़ा ने भी इस तरह की साड़ी पहना है। और इस साड़ी में आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस साड़ी की। तो इसमें आपको पूरी साड़ी में ये सिक्वेंस वर्क मिलेगा इस तरह से। ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पे ये ग्रीन कलर के और जो विदाउट कलर के शाइनिंग वाले जो सीक्वेंस होते हैं ना, उनसे इस साड़ी पे वर्क करा गया है। तो उस वजह से इसका जो लुक है ना वो बहुत सुंदर आ रहा है। और पूरी साड़ी पे आपको ये वर्क मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड प्लीट्स की साइड आपको नीचे नीचे मिलेगा और पल्लू की साइड आपको पूरा मिलेगा। प्लीट्स की साइड भी ये प्रॉपर पूरा आपको इसमें वर्क मिल जाएगा। इस साड़ी में आपको प्लेन फैब्रिक भी मिलेगा। जहां से हम प्लीट्स लेते हैं उससे पहले आपको इतना एरिया इसमें प्लेन भी मिल जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रॉपर इस तरह से बॉर्डर भी दिया गया है। ये बॉर्डर होता है ना, तो एक तो साड़ी का एकदम प्रॉपर फिनिशिंग लुक आता है और साड़ी में एक वेट भी रहता है, जिससे वो साड़ी बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्चुअली जच जाती है, उसकी प्लीट्स वगैरह भी बन जाती है और यहाँ पे जब आप उसका पल्लू लेते हो तो वो भी प्रॉपर आ जाता है। अगर मैं इसके ब्लाउज की बात करूँ तो इसमें आपको इस तरह का ब्लाउज मिलेगा। ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो आपको ड्यूपिन मिलेगा। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, ये एक्चुअली डबल होके इस पे स्टिच हो रखा है, इसलिए अगर मैं इसकी ब्लाउज की लेंथ की बात करूँ तो आपको 80 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज मिल जाएगा। ब्लाउज का जो कलर दिया गया है ना, वो इसका जो बैक फैब्रिक है ना उसके कलर से मैच करता हुआ इसमें ये ब्लाउज दिया गया है, और जो इसमें सीक्वेंस वर्क है ना उससे मैच करता हुआ इसमें ये ब्लाउज दिया गया है। साड़ी में एक्स्ट्रा ऐसे कुछ ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑल ओवर टाइप की ये साड़ी है। पूरी साड़ी पे आपको इसी तरह का वर्क मिलेगा और प्रॉपर ये जो भी साड़ी है मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ट्राई ऑन में आप देखोगे तो प्रॉपर आपको ये समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सभी साड़ियां ऑल ओवर टाइप की है। उनमें सभी में एक ही तरह का वर्क है, अलग से उनमें पल्लू नहीं है, तो बहुत कुछ उनमें बताने के
लिए नहीं मिलेगा। तो ट्राई ऑन में जब आप इनको देखोगे तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। साड़ी जो है ना बहुत ही हैवी से लुक में है, तो इस तरह की साड़ियों को जब आप नाइट में पहनते हो ना, रिसेप्शन वगैरह में पहनते हो या फिर कोई पार्टी वगैरह में आप पहनते हो, तो उनके अकॉर्डिंग ये साड़ी है। दिन में ये साड़ियां इतनी अच्छी नहीं लगती, नाइट में ये साड़ियां ज्यादा अच्छी लगती है, और जब आप इनको मॉडर्न से स्टाइल में पहनते हो तो इनका लुक और भी ज्यादा अच्छा आता है। मैंने एक्चुअली इस साड़ी को थोड़े से ट्रेडिशनल लुक में स्टाइल करा था, क्योंकि मॉडर्न में तो हम करते ही हैं, तो मैंने इसको थोड़े से ट्रेडिशनल लुक में स्टाइल करा था। तो आप चाहो तो उस तरह भी इस साड़ी को स्टाइल कर सकते हो। ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा है और इसका लुक भी बहुत अच्छा है, और इसके सिक्वेंस का जो वर्क है ना, जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अगर आपको सिक्वेंस टाइप की साड़ियां पसंद है तो आप इस तरह की साड़ियों को परचेज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको इनमें से कोई साड़ी पसंद आई हो तो सभी साड़ियों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जियो फैब वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां पे सर्च कर सकते हो कुछ नई चीजें, अगर कुछ डिफरेंट आप देखना चाहते हो तो वहां पे आप सर्च कर सकते हो। इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इनका जो व्हाट्सएप लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप के थ्रू भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही। सबसे अच्छी साड़ी आपको कौन सी लगी, सबसे अच्छा लुक आपको कौन सा लगा, कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, बाय।